अस्सलाम वालेकुम। हम सब कैसे अच्छे ही होंगे। और मैं ये वीडियो इसके लिए बना रही हूँ क्योंकि कभी जनवरी की 23 तारीख को मैं फाइनली बगदाद जा रही हूँ, क्योंकि 15-16 तारीख को जाऊँगी अजमेर, तो वहाँ से 21 तारीख को आऊँगी, है ना। और तो फाइनली मैंने डिसाइड करी हूँ क्योंकि जनवरी की 23 तारीख को मैं जाऊंगी बगदाद, मैं और मेरी पूरी टीम। और जिसको भी आना है तो ये वीडियो देख के एक दूसरे को मैसेज पहुंचा दो, जो जो आने वाले हैं कि इस बार आ रहे हैं कि 11वीं की नियाज में आ रहे हैं, मुझे पक्का ये भी बता देना फ़ोन करके, क्योंकि बहुत से लोग हैं तो मैं सबको फ़ोन नहीं कर पाऊँगी। अगर कोई आ रहा है या तो कोई 11वीं की नियाज जब 11वीं का महीना रहेगा तब आना चाहेंगे तो आ सकते हैं, लेकिन फाइनली मैं और लाले हम लोग सब लोग अभी जा रहे हैं, मेरे बच्चे लोग सब लोग 23 तारीख को। ये बहुत सारे लोग ने पासपोर्ट और पैसा दे के रखे 11वीं के लिए, तो किसी को 11वीं में आना होगा नहीं होगा तो बता नहीं। तो मैं जैसा अजमेर से आऊँगी फिर मैं निकलूँगी बगदाद के लिए, है ना, क्योंकि अभी फाइनल डिसाइड हो गया और पासपोर्ट भी मेरा भी आ गया, लाले का भी आ गया, बच्चे लोग का भी आ गया, सबका आ गया। तो 23 जनवरी को मैं बगदाद के लिए निकलूँगी क्योंकि 25 जनवरी को मौला अली के पैदाइश का दिन है, है ना, तो तभी उधर हमारी हाजिरी लग जाएगी कि 25 जनवरी को होता है मौला अली के पैदाइश का दिन, ठीक है। तो हम लोग तभी जाएंगे और जो कोई भी आना चाहता है तो आ सकते हैं। अभी मैं उसका पूरा डिटेल भी डालूँगी, उमर भाई के पूरे टूर का डिटेल डालूँगी मैं, ठीक है, क्योंकि कितने लोग ने मेरे को पासपोर्ट और पैसा दे के रखे। अगर कोई 11वीं में आना चाहता है तो चलेगा, लेकिन जो अभी मेरे साथ में अगले महीने 23 तारीख को आना चाहता है तो फटाफट पैसा और पासपोर्ट आके दे देना, ठीक है। तो फाइनली डिसाइड कर ली मैंने अभी कि मैं जाऊंगी 23 तारीख को उमर भाई के टूर में, है ना, तो वो टूर का भी पूरा मैं डालूंगी। वो टूर में क्या है, थोड़ा कॉस्टली है लेकिन उसकी मतलब पूरी फैसिलिटी बहुत अच्छी है वो टूर की, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी बहनें लोग सब लोग वो टूर में जाके आ चुके हैं और हमारे अच्छू खाला भी 4-5 बार वही टूर में गई है उमर भाई का टूर में। मतलब थोड़ा कॉस्टली है, उमर भाई क्या ज़्यादा भी थोड़ा भाव खा रहे हैं ना क्योंकि वो ज़्यारत वगैरह भी बहुत अच्छी कराते, होटल में भी अच्छे रखते हैं, उनका खाना पीना भी अच्छा है, तो उनका टूर अच्छा है, इसके लिए थोड़ा कॉस्टली, लेकिन ये बार थोड़ा समझ के ले लेंगे शायद, है ना उमर भाई। और देखते हैं फिर 11वीं में, तो पक्का 11वीं में तो मैं 100% जाऊंगी, है ना, लेकिन उससे पहले मैं जाके आऊँ क्योंकि बहुत दिल में अरमान है गोसबाग की दरगाह पे जाने, मौला अली की ज़ारत करने, गोसबाग की ज़ारत करने, वहाँ पे भी बड़ी बड़ी ज़ारत है, तो मेन तो मुझे मौला अली के और गोसबाग की ज़ारत करने का है ना, तो वहाँ पर जाऊँगी मैं और सब लोग के लिए दुआ करूँगी और सब लोग भी दुआ करना कि माशाल्लाह हम लोग सही सलामत जाके आ जाए, है ना। और फटाफट एक दूसरे से मैसेज पहुंचा दो और हो सके तो फिर मेरे को कॉल करके बताओ किसको आना है नहीं आना है, तो मुझे फटाफट पासपोर्ट और पैसा दे दो क्योंकि मेरे को वीज़े के लिए उधर उमर भाई को पहले पासपोर्ट और पैसा देना है, ठीक है। इसके लिए मैं अलग अलग सबको फ़ोन नहीं कर सकती, अगर सुन भी देंगे मेरे वीडियो देखे रहेंगे तो एक दूसरे को मैसेज पहुँचा देना, है ना। और आज जुमेरात है, घर में लोबान बत्ती सब हो गया और अभी जस्ट फ़ोन आया कि लाले का भी पासपोर्ट बन गया, पासपोर्ट नंबर आ गया, अभी कल सुबह तो शायद लाले का पासपोर्ट आ भी जाएगा। तो फाइनली हम लोग जाएंगे, मैं ही और मेरे ही दोनों बच्चे होंगी मैं, है ना, क्योंकि मेरी सोफी ने भी बहुत वो करी है दिल में कि उसको जाना है, तो फिर मैं सलमान को कहाँ छोड़ के जाऊँ, और मतलब 10-11 दिन का टूर है तो कहाँ पे मेरे बेटे को छोड़ के जाऊँ, तो उसको भी लेके जाऊँगी, है ना। तो फाइनली हम लोग जा रहे बगदाद जनवरी की, है ना, जनवरी की 23 तारीख को, क्योंकि 25 तारीख को मौला अली के बर्थडे का दिन है, पैदाइश का दिन है और बहुत बड़ा दिन है उस दिन, है ना, 13 रजब, है ना, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना और मेरे लिए कुछ ज़्यादा दुआ करना क्योंकि मेरे चाहने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ गए ना, चाहने वाले बोले तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ ना, ठीक है। चलो दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़। और कौन जाएगा, मेरी सोफ़ी और मेरा सलमान, ये मेरे दोनों बच्चे भी जाएंगे, मैं जाऊंगी, लाले जाएंगे, शायद आयशा भाभी और बहुत जान लोगे,
क्योंकि इतने लोग अभी आते नहीं, आते कंफर्म नहीं है। अगर जो जो आ रही है बाद में मैं वीडियो भी बना के डालूंगी कौन कौन आ रहा है ना। जिसको मोला अली से अगर चाहत रहेगी, उनके पैदाइश का दिन है तो इंसान वो आएगा ही आएगा, क्योंकि मुझे मोला अली भी उतने पसंद है, इतने बड़े मेरे गोश्त सरकारी पसंद है, बस उनकी ज़्यारत हो जाए, है ना।